बड़ी कार्रवाई की गई है बिजली विभाग की तरफ से, 1400 से ज्यादा प्रीमिसेस पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ फायदा जो है बिजली विभाग को होगा? मेरा अपना मानना है कि इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, लोगों के कागज बन जाएंगे रेवेन्यू कराने की और वो चोरी बंद कर देंगे। सारे हरियाणा में जिनका नहीं चेक कराना वो भी मैं समझता हूँ आज रात तक अपने लगाने शुरू कर देंगे, उन्हें ये होगा कि अब चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा रेड हुआ, ये भी बहुत बड़ा रेड है। 14,000 परमिशन चेक करना छोटी बात नहीं है, आप 14,100 कुछ हुए हैं कल कल में, आज जो हुए हैं वो अलग है। मैं समझता हूँ मिलकर ये 16-17,000 परमिशन चेक हो जाएंगे, जिनमें 4,500 से ज़्यादा परमिशन ऐसे हैं, चाहे उसमें RO थे, चाहे उसमें आइस फैक्ट्री थी, कोल्ड स्टोरेज थे, आइस कैंडीज थी, आपके पेट्रोल पंप थे, बड़े ढाबे थे रोड साइड पर, उन सब में मिलके 4,500 केसेज ऐसे मिले जहाँ चोरी हो रही थी, 10 मेगावाट की चोरी पकड़ी थी, जिसका फाइन पेनल्टी तो शायद 25-30 करोड़ रुपया हो, पर जो रेवेन्यू जुड़ेगा, जो लोग अब मीटर लगवाएंगे उसकी फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद आगे जो रेवेन्यू हमारा बढ़ना शुरू होगा वो एक महीने में कम से कम 500 करोड़ से ज़्यादा आ जाएगा। क्या ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी बिजली विभाग की तरफ से? हम तो ये भी नहीं करना चाह रहे थे, लोग आदत बना दें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर फिर भी करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। अभी बिजली विभाग की क्या स्थिति है, क्योंकि पिछली सरकारों में जो है घाटे में विभाग रहता था, आप जब से आए हैं विभाग को फायदा हुआ है, अभी क्या स्थिति? मैंने टेक ओवर करा तब इसमें मुनाफे में आ गया था, 2014-15 में 3750 करोड़ रुपए का घाटा था, जो ऑन ऑडिट है, जिसे चाहे कांग्रेस सरकार वाले उठा के देख ले, कांग्रेस का 3750 करोड़ का घाटा था। पिछले साल ये 350 करोड़ प्रॉफिट में, मुझे 1.5 सालों के एक साल पिछला गया जी, और अब के हमारा ये अंदाजा है कि 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर कोई कोविड का कारण ना हो जाए, इंडस्ट्री बंद हो जाए, कोई ऐसा हो जाए, तो देखिए वो आपदा ना आए देश में, सब जगह वर्ल्ड में रिसेशन हो गया था, और मेरा मानना है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा, और इससे ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा, हमारे अधिकारी चौकन्ने हो गए, हमारे अधिकारियों ने अब अपने आप को बदलना शुरू कर दिया कि अब चोरी नहीं करने देंगे। मानसून में देरी की वजह से खपत बढ़ी है, हरियाणा कितना तैयार है रिकॉर्ड बनाने के बाद भी? हमारे मनोहर लाल जी ने इस मामले में बड़ा अच्छा एक स्टेप उठाया कि उन्होंने 8 घंटे से 10 घंटे तुरंत कर दी कि मानसून नहीं आ रहा, किसान मरे ना, उनको अपनी फसलें टाइम से बुआई हो जाए, तो पैडी करके उन्होंने ये बढ़ाया। पैडी एरिया में अभी बस बताऊँ पानी की कोई कमी नहीं है, खूब बिजली 24 घंटे दी जा रही है, कहीं एक जगह भी कोई डेमोस्ट्रेशन गुस्सा नहीं है, नहीं और जगह तो इन दिनों में बड़े हालात लोग सड़कों पे आके बैठ जाते हैं, बिजली घरों का घेराव हो जाता है, हमारे ठीक चला है, जैसे ही बरसात होगी फिर हम इसे विड्रा कर लेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे रखना।